हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया था बेसन की मसालेदार अरवी। आप नॉर्मली अरवी ऐसे ही फ्राई करके खाते हो तो खा खा के बोर हो गए हो, तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर सभी को बहुत पसंद आएंगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो अरवी फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल गरम किया है सरसों का, और इसमें 1 टीस्पून अजवाइन डाली है। आप अरवी में अजवाइन ही डालिएगा, थोड़ी सी हींग डालिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, अरवी वादी नहीं करती है। 1/2 टीस्पून हल्दी और बारीक चॉप किए हुए अदरक और हरी मिर्च डालेंगे और कुछ सेकंड अदरक और हरी मिर्च को भून लेंगे। और कुछ सेकंड भूनने के बाद इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, या तीखी वाली है तो 1/2 टीस्पून डाले, अगर आप कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रहे हो तो 1 टीस्पून डालिएगा। अब इन मसालों को भी हमें 1 मिनट तक भून लेना है और फ्लेम को लो रखना है, जिससे मसाले जल ना पाए। उसके बाद इसमें हम 3 स्पून बेसन डालना है, और बेसन डालने के बाद इसे हमें 1 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर भून लेना है, जिससे इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए, और फ्लेम को लो रखना जिससे यह बेसन जलने ना पाए और हमारा जो बेसन है वह भी अच्छे से भुन जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुका है, तो आप देख रहे हो बेसन का कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है, यह हल्का सा भुन चुका है। तो अब इसमें मैं बॉईल की हुई अरबी डाल दूंगी, और आप अरबियों को भी देख सकते हो, मैंने इन्हें ज़्यादा बेक नहीं किया है, सॉरी उबाला नहीं है, इन्हें 98% तक ही बॉईल करना है। 2% थोड़ा टाइट रहने दीजिएगा, जिससे यह खाने में अच्छी लगेंगी और फ्राई भी अच्छे से होंगी, खिली खिली। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और कलर के लिए 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे। आप यहाँ स्पाइसेस अपने हिसाब से डालिएगा, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉरी, अभी मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर और डालूंगी, क्योंकि मैंने अभी 1 टीस्पून ही डाला था स्टार्टिंग में। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इन अरबी को भी मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 मिनट भूनना है, जिससे हमारे जो बेसन का हल्का सा कच्चापन रह गया है वह निकल जाएगा, और जो मसाले हैं सारी अरबी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख रहे हो मसाला जो है सारी अरबी में अच्छे से मिक्स हो चुका है, और हमारी जो अरबी का कलर है कितना यमी आया है, कितना स्पाइसी आया है, देखते से ही मुंह में पानी आ गया है। अब इसमें हमें कस्तूरी मेथी ऐड करनी है, तो मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालूंगी हाथ से क्रश करके, और इसी के साथ ढेर सारा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालूंगी। और अब कस्तूरी और हरे धनिए को मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए से 1 मिनट तक और भून लेंगे, जिससे हमारे जो कस्तूरी मेथी है और धनिया है अच्छे से सारी अरबी में मिक्स हो जाए। उसके बाद चलिए फिर प्लेटिंग करेंगे अपन। तो सर्व करने के लिए एक प्लेट या कोई भी बर्तन लेंगे और अरबी को इसमें निकाल लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमारी जो बेसन की मसालेदार अरबी है कितनी फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन है तो आप एक बार यह रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर सभी को बहुत पसंद आएगा। और लास्ट में गार्निशिंग के लिए हल्का सा चॉप्ड हरा धनिया डालेंगे, जिससे यह देखने में और सर्व करने में अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, ऐसे ही यमी यमी रेसिपीज ट्राई करने के लिए आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत सारी रेसिपियाँ मिलेंगी। ये देखा फ्रेंड्स कितनी यमी लग रही है अरवी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। मैं आपको फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।